गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जीके का, जिसमें पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान जीके पार्ट 53 अध्याय 53 भाग का अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान जीके पार्ट 54 अध्याय 54 भाग का अध्ययन करेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, जिनमें अपन ने कई जिलों से संबंधित मुख्य मेलों का अध्ययन कर लिया था, आज अपन अध्ययन करेंगे करौली। करौली से संबंधित जो प्रमुख मेला है वो है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला करौली जिले में चैत शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है या भरता है। इस मेले को लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। इस मेले को लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अर्थात केला देवी का मेला है, करौली जिले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है या भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरने वाले इस मेले को लक्ष्मी मेला कहते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला भी करौली में आयोजित होता है। ये जैन धर्मावलंबियों का, अर्थात जैन धर्म के मानने वाले जैनियों का मेला है। ये जैनियों का सबसे बड़ा या जैनी समाज का सबसे बड़ा मेला है। ये चैत्र शुक्ल तेरस से बैसाख शुक्ल द्वितीया तक, चैत्र शुक्ल तेरस से बैसाख शुक्ल द्वितीया तक आयोजित होता है और यह है जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा मेला है। तो ये प्रमुख दो मेले हैं करौली के, केला देवी का मेला और महावीर जी का मेला। अगला मेला है बूंदी। बूंदी जिले में कजली तीज या उजली तीज का मेला, कजली तीज या उजली तीज का मेला है। ये बूंदी जिले में आयोजित होता है और यह भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है। तो बूंदी जिले में कजली या उजली तीज का मेला भाद्र कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है या लगता है। अगला है कोटा। कोटा का जो प्रमुख मेला है वह है दशहरा का मेला। दशहरा का मेला है, ये विजयादशमी या आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में यह मेला आयोजित होता है। कोटा में यह मेला माधव सिंह प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। माधव सिंह जो प्रथम थे उनके शासनकाल में कोटा में दशहरा का मेला प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था। तो कोटा का प्रमुख जो मेला है वो दशहरा का मेला है। यह विजयादशमी अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में आयोजित होता है। यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध मेला है। कोटा में यह मेला माधव सिंह प्रथम के काल में शुरू हुआ था। अगला है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सिखों का गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा नामक जो मेला है यह गंगानगर जिले के बुड्ढा जोड़ा अर्थात रायसिंह नगर, बुड्ढा जोड़ा या रायसिंह नगर में श्रावण अमावस्या को आयोजित होता है या लगता है। तो सिखों का जो गुरुद्वारा मेला है यह है बुड्ढा जोड़ा नामक स्थान अर्थात रायसिंह नगर में श्रावण अमावस्या को यह मेला आयोजित होता है। इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है, सिखों का गुरुद्वारा नामक जो गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो संत फतेह सिंह ने करवाया था। अगला है हनुमानगढ़ में जो प्रमुख मेला है ये गोगाजी का मेला प्रमुख मेला है। हनुमानगढ़ के नोहर नामक स्थान पर अर्थात नोहर में जो गोगाबेड़ी नामक स्थान है वहां पे भाद्र कृष्ण नवमी को गोगाजी का मेला आयोजित होता है। यह मेला हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का मेला है। जो रामदेव जी का मेला है वो भी सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। और गोगा जी का जो मेला है नोहर अर्थात गोगाबेड़ी में भाद्र कृष्ण नवमी को आयोजित होता है, यह हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसके अलावा हनुमानगढ़
काली का मेला भी वहीं पे आयोजित होता है। सीकर, सीकर में दो प्रमुख मेले आयोजित होते हैं जिनमें सबसे बड़ा मेला खाटू श्याम जी का मेला है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले के खाटू श्याम जी नामक कस्बे में आयोजित होता है, जहां पे फाल्गुन शुक्ल 11 को वास को भी रहता है, लेकिन प्रमुख जो मेला है फाल्गुन शुक्ल 11 को आयोजित होता है सीकर जिले के खाटू श्याम जी नामक कस्बे में। फाल्गुन शुक्ल 11 को यह मेला आयोजित होता है जिसके शीश की पूजा की जाती है, शीश की पूजा की जाती है खाटू श्याम जी के। फिर जीण माता जी का मेला, जीण माता जी का मेला है यह सीकर जिले के रेवासा ग्राम के पास में जीण माता नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन जो एक वर्ष में दो बार नवरात्रे आते हैं, इन दोनों नवरात्रों में जीण माता जी का मेला आयोजित होता है। अतः जीण माता जी का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम के पास जीण माता जी नामक कस्बे में आयोजित होता है, जहां जीण माता जी का भव्य मंदिर बना हुआ है पहाड़ियों के बीच में, और यह प्रतिवर्ष दो जो नवरात्रे आते हैं चैत्र नवरात्रे और अश्विन नवरात्रे, इन दोनों नवरात्रों में जीण माता जी का मेला आयोजित होता है। इसके आगे देखिए टोंक जिले में कल्याण जी का जो मेला है वो प्रमुख मेला है। कल्याण जी का मेला टोंक जिले में आयोजित होता है, यह श्रावण शुक्ल एकादशी को, श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को जो मालपुरा तहसील है, मालपुरा तहसील के जो डिक्की कस्बा है या डिक्की नाम का स्थान है, वहां पे श्री कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। तो टोंक जिले में कल्याण जी का मेला आयोजित होता है, यह श्रावण शुक्ल एकादशी को मालपुरा तहसील जो टोंक जिले में है, मालपुरा तहसील के जो डिक्की कस्बा है वहां पे कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। ये थे आपके आज के प्रमुख मेले, एक बार इनका रिविजन देख लीजिए। करौली का मेला, करौली में केला देवी का जो मेला प्रमुख मेला, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरने वाला मेला है, इस मेले को लक्ष्मी मेला भी कहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। महावीर जी का मेला है, महावीर जी का मेला भी करौली में आयोजित होता है, यह जैन धर्मावलंबी है उनका सबसे बड़ा मेला है, यह चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख शुक्ल द्वितीया तक आयोजित होता है। अगला है बूंदी, बूंदी में कजली तीज या उजली तीज का मेला आयोजित होता है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है, ये बूंदी में होता है। फिर कोटा, कोटा का जो प्रमुख मेला है ये दशहरा का मेला है, कोटा का प्रमुख मेला दशहरा मेला है। दशहरा मेला विजयादशमी या आश्विन शुक्ल दशमी को, एक ही बात है, विजयादशमी या आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में आयोजित होता है। यह मेला कोटा में माधव सिंह प्रथम के शासनकाल में से प्रारंभ हुआ था, माधव सिंह जो प्रथम थे उनके काल में शुरू हुआ था। अगला गंगानगर, गंगानगर में प्रमुख मेला सिखू का गुरुद्वारा का मेला है, ये बुद्धा जोड़ा नामक स्थान बाईसिंह नगर में श्रावण अमावस्या को आयोजित होता है। इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो संत पदा सिंह ने करवाया था। अब देखिए हनुमानगढ़ का जो प्रमुख मेला है ये गोगा जी का मेला है। गोगा जी का जो मेला है नोहर अर्थात नोहर के गोगा बेड़ी नामक स्थान पर भाद्र कृष्ण नवमी को यह मेला आयोजित होता है। यह मेला हिंदू एवं मुस्लिम सद्भावना का मेला माना जाता है, शैक्षणिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और यही पे हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला भी आयोजित होता है। देखिए सीकर, सीकर का जो प्रमुख दो मेले हैं जिनमें बड़ा मेला श्री खाटू श्याम जी का है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल ग्यारस को सीकर जिले के खाटू श्याम जी या खाटू नामक स्थान पर आयोजित होता है। जीण माता का मेला, सीकर जिले में जीण माता का मेला है, रेवासा ग्राम के पास जीण माता नामक स्थान पर, रेवासा ग्राम के पास जीण माता नामक स्थान पर चैत्र व अश्विन दोनों नवरात्रों में जीण माता का मेला आयोजित होता है। अगला है टोंक का प्रमुख मेला है कल्याण जी का मेला। कल्याण जी का मेला है ये श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को, श्रावण शुक्ल एकादशी को मालपुरा तहसील के डिग्गी कस्बे में आयोजित होता है। ये थे आपके आज के प्रमुख मेले, शेष मेलों का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।